इतनी मस्त तरीके से ड्रिफ्ट करेगी यार, मेरे को तो आज मजा ही आ गया। अचानक से इसके टायरों के अंदर आग लग गई थी यार, मेरे को नहीं लगा था कि। गाइस मेरा नाम है रयान, आप लोगों को बताऊंगा मेरे पास बहुत सारी ऑलरेडी ड्रिफ्ट कार्स है, तो आज मैंने एक और बहुत ही यूनिक तरीके की ड्रिफ्ट कार खरीदी है। इसको बोलते हैं होंडा NSX ड्रिफ्ट RC कार। ये RWD ऑप्शन में आती है और ये कार छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी आपको पता होगा मेरे पास टोयोटा की स्प्रिंटर ड्रिफ्ट कार है और सुप्रा MK1 भी ड्रिफ्ट कार मेरे पास ऑलरेडी है, तो अब NSX होंडा भी आ चुकी है। आज गाइस बहुत ही कमाल की चीजें करने वाला हूं मैं ये सारी की सारी ड्रिफ्ट कार के साथ। पहले तो इसको अनबॉक्स करेंगे। मेरे पास जो टोयोटा की सुप्रा MK1 है उसका कलर आज चेंज करने वाला हूं, आज उसको डुअल कलर में चेंज करके ये सभी कार्स के साथ आज मैं ड्रिफ्ट टेस्ट करने वाला हूं। यहां पे मैंने बहुत सारी ड्रिफ्ट कार्स को ऑलरेडी रख दिया है। ये टोयोटा स्प्रिंटर है, ये टोयोटा MK1 से बोल सकती हो, ये तो आपको पता होगा निसान GTR है, बहुत मस्त तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह कर सकती है, और ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट डॉट चार्जर ड्रिफ्ट RC कार। तो चलो गाइस फटाफट से पहले मैं इसको अनबॉक्स करूंगा, फिर कलर भी चेंज करते हैं हमारी टोयोटा कार का। तो चलो पहले इसको खोलते हैं। सबसे पहले इसके साथ किस तरीके से ड्रिफ्ट कराना है सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई। अगर आप सर्कुलर ड्रिफ्ट कराना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो सभी इंस्ट्रक्शंस के बारे में दिया गया है कि सर्कल ड्रिफ्ट कैसे करना है। बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यार आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, और गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट कार कौन सी है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, हमारे पास जो सुप्रा MK1 थी बिल्कुल उसके अंदर भी ऐसे ही वाला रिमोट दिया गया। तो अब निकालते हैं हमारी होंडा NSX RC ड्रिफ्ट कार को। यहां से मैंने इसको निकाल लिया है। इसका साइज दिखने में थोड़ा सा छोटा है भाई, पर ये कार बहुत ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि इसके अंदर स्पेशली मेड ड्रिफ्ट मोटर लगाई गई है। सामने की तरफ इस तरीके की पॉपअप हेडलाइट्स है, ये इतना ज्यादा टर्न हो जाते हैं यार, तो इस वजह से ही मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह कर सकती है। तो अब इसके साथ और क्या क्या चीजें दी गई है वो दिखा देता हूँ। बैटरी शायद कार के अंदर ही रह गई है, 7.4 वोल्ट की बैटरी मिलती है के साथ। यहाँ पे इसके कुछ अटैचमेंट्स है, साथ में चार्जर वगैरह भी दिया गया है गाइस। तो इसके ऊपर मास्किंग टेप वगैरह मैंने लगा दिया है, तो टायरों के ऊपर भी मास्किंग टेप चिपक चुका है। अब इसको पूरी तरीके से मैं गोल्डन कलर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। व्हाइट सुप्रा को यहाँ पे रख देते हैं, और ये रहा मेरा पेंट, ये इसका नंबर है स्पार्कल गोल्ड। देखते हैं गाइस ये कितने मस्त तरीके से चमकती है गोल्ड कलर में करने के बाद। थोड़ा सा मैं इसको शेक कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं गाइस पेंट करना। एक साइड तो पूरी तरीके से गोल्ड गोल्ड हो चुकी है हमारी सुप्रा। अभी इसका बोनट पेंट करते हैं यार, ये सामने की तरफ से। यार कलर बहुत कमाल का है भाई, ये क्या ही चमक रही है यार ये तो, ओ माय गॉड। ऊपर कर देते हैं छत को, वाओ गोल्ड वाली सुप्रा बन चुकी है हमारी पूरी तरीके से। अब यहाँ पे करते हैं, वाह भाई क्या चमक रही है यार ये तो। पीछे कर देते हैं, अब एक और कोट कर देता हूँ मैं इसके ऊपर इसी तरीके से। ओके रेडी हो चुकी है सुप्रा MK1 गोल्ड। पेंट पूरी तरीके से सूख चुका है। यहाँ पे इसके मिरर्स के ऊपर मैंने ये मास्किंग टेप लगा दिया था, इसको हटा देते हैं फटाफट से। ये लो भाई साहब, ओके यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ। ओ भाई काफी परफेक्टली नजर आ रही है सुप्रा। टायर्स के ऊपर भी मास्किंग टेप लगा हुआ है, इसको भी हटा देता हूँ वरना इसके टायर्स भी पूरे गोल्डन कलर के आपको नजर आ जाएंगे। ओ माय गॉड, एक बार इसका लुक तो देखो यार, कितना ज्यादा मस्त दिखाई दे रहा है यार। इसके ऊपर ना गोल्डन कलर में देखो छोटे मोटे ग्लिटर भी दिए गए, इस वजह से ये बहुत ज्यादा चमचम आ रही है। पीछे की तरफ से भी देखो एकदम परफेक्टली कलर हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि यार ये एकदम फैक्ट्री से ही अभी अभी बन के आई है गोल्डन कलर में। बाकी कार्स को भी मैंने इसके साइड में रख दिया है, बाकी कार्स भी बहुत ज्यादा चमचम आ रही है। आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना गाइस। देखो इसके जो लाइट्स है ये भी काफी परफेक्टली यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी ये तीनों ही कार्स के अंदर लाइट्स आप ऑन ऑफ कर सकते हो एक बटन दबाने से।
देखो दोस्तों मेरे पास इस तरीके की कोन्स है। हम लोग आज ये कोन्स रख के कार्स के साथ ड्रिफ्ट टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं कौन सी कार बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर पाएगी। सबसे पहले होंडा ड्रिफ्ट कार को मैं चलाने वाला हूँ, यहाँ पे ड्रिफ्ट कराते हैं। ओ माय गॉड, ये कार तो बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर रही है यार। देखो एक और बार ड्रिफ्ट करा के बता देता हूँ, जहां पे मैं इसको ड्रिफ्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ये कार बिल्कुल परफेक्टली वहीं पे ही ड्रिफ्ट कर रही है। एक दो बार शायद इसने ऑरेंज कोन से टकराया भी था, बाकी देख सकते हो यार ये सर्कल में भी बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर रही है। और इसको ड्रिफ्ट कराना मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी भी था। और ये कार के अंदर बहुत सारे कूल फीचर्स भी दिए गए हैं, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सामने का टायर देखो बहुत ज्यादा इसका टर्न होता है, तो यहाँ पे इसके बहुत सारे सेटिंग्स है। ए बी सी बोल के तीन स्विचेस इसके अंदर दिए गए। ये बटन दबाने से इसका जायरो आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि इसके जायरो को हम लोग 50% पे या फिर 100% पे रख सकते हैं। अभी मैंने इसको 100% पे रख दिया है, इस वजह से जैसे जैसे मैं कार को टर्न करता हूं तो इसका सामने का टायर ऑटोमेटिक तरीके से टर्न होने लगता है। अभी ये बी के स्विच को मैंने प्रेस कर दिया है, यहां से आप इसका जो स्पीड है इसको कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ज्यादा स्पीड इसके अंदर दी गई है यार। ये स्विच प्रेस करने से ये इसके हेडलाइट को हम लोग अंदर बाहर कर सकते हैं, बाकी स्टीयरिंग टर्न करने से पीछे के जो लाइट है इसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर इंडिकेटर्स भी काम कर रहे हैं। यार मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये कार इतनी मस्त तरीके से ड्रिफ्ट करेगी यार, मेरे को तो आज मजा ही आ गया होंडा ड्रिफ्ट कार को ड्रिफ्ट करा के। ओके दोस्तों, अब हमारी गोल्डन सुप्रा को मैं ड्रिफ्ट कराने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से ये कार भी ड्रिफ्ट कर रही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ। सामने का टायर ओ माय गॉड पूरा का पूरा 50 डिग्री तक घूम जाता है यार। नहीं, इसने अभी अभी एक कोन को गिरा दिया है। पहली बार तो इसने एक कोन को गिरा दिया था, दूसरी बार मैंने जब ड्रिफ्ट कराया यार तो ये बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर रही थी। अब निसान GTR के साथ ड्रिफ्ट टेस्ट में करने वाला हूँ। अरे यार ये कार को तो शुरुआत में ही दिक्कत होने लगी है। ओ भाई, इसने तो अभी एक कोन को गिरा दिया यार। मैं इसको बिल्कुल भी सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखो ओ माय गॉड, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इस वजह से मैं इसको जहां पे ड्रिफ्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ वहां से ये बच के दूसरी लाइन में ड्रिफ्ट कर रही है यार। तो इसको हटाते हैं, अब हमारी टोयोटा ड्रिफ्ट कार के साथ ड्रिफ्ट टेस्ट करेंगे। गाइस देखते हैं ये कैसे ड्रिफ्ट करती है। ये कार के अंदर भी देखो सामने की तरफ जायरो दिया गया है, इस वजह से ये कार भी बहुत ही मस्त तरीके से ड्रिफ्ट कर रही है यार। ओ माय गॉड, ये तो होंडा ड्रिफ्ट कार को टक्कर दे रही है। यहाँ पे देख रहे हो जिसने तो यार एक भी कोन नीचे नहीं गिराया है, तो इसके बीच में और होंडा कार के बीच में टाई हो चुका है। ओके दोस्तों, फाइनली अब मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट डॉट चार्जर आ चुकी है। ओ भाई, ये कार को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यार ड्रिफ्ट करने में, क्योंकि इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा है। देखो इस तरीके की जो हाई स्पीड वाली कार्स होती है इनको अगर हम इतने छोटे से एरिया में ड्रिफ्ट कराएंगे तो वो बार बार किसी ना किसी से टकराई जाएगी। यहाँ पे देखो कौन इसके ऊपर आके बैठ चुका है। ये कार को मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये इतनी ज्यादा अनकंट्रोल हो रही है हाई स्पीड होने के कारण। तो ये भी यहाँ पे फेल हो चुकी है ड्रिफ्ट करने के मामले में। तो अब मैं यहाँ पे एक रैंप बना चुका हूँ, यहाँ पे इनके सामने बहुत सारे कोन्स को भी मैंने रख दिया है। अब देखते हैं गाइस कौन सी कार ये रैंप के ऊपर से काफी दूर तक जंप कर पाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ अपनी गोल्डन सुप्रा को, देखते हैं गाइस ये कितनी दूर तक जंप लगा पाएगी। ओ भाई, ये ज्यादा दूर तक जंप नहीं लगा पाई यार, इसकी स्पीड तो ज्यादा है पर जैसे ही रैंप खत्म हुआ है ये सीधा आगे कोन से टकरा चुकी है। तो अब देखते हैं निसान GTR कितनी दूर तक जंप लगा पाएगी ये रैंप के ऊपर से। ओ तेरी, ये भी दूर तक जंप नहीं लगा पाई यार। देखो यहाँ पर आकर ये क्रैश हो चुकी है, इसको भी हटाते हैं। अब टोयोटा ड्रिफ्ट कार के साथ जंप कराने वाला हूँ मैं, देखते हैं गाइस। यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको स्लो चलाया, अब हाई स्पीड बढ़ाते हैं। ये लो भाई, थर्ड गियर में तो यार इसने कमाल करके रख दिया था। ये दोनों कार से काफी दूर तक जंप कर पाई है। अब यहाँ पे आएगी अपनी सबसे ज्यादा फेवरेट डॉट चार्जर, देखते हैं ये कितनी दूर तक जंप लगा पाएगी। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अरे बाप रे गाइस, देख रहे हो इसने तो यार पूरे के पूरे कॉन्स के ऊपर से जंप लगा दिया है। ओ माय गॉड, मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ये कार इतनी दूर तक जंप लगा पाएगी। क्लियरली जंप लगाने के मामले में ये जीत चुकी है भाई, मजा आ गया यार मेरे को तो। आज मैंने आपको जितनी भी कार्स बताई है उनमें ये डॉट चार्जर सबसे ज्यादा फास्ट चल रही थी, तो इसके ऊपर अब बर्नआउट टेस्ट करने वाला हूं मैं, देखते हैं क्या बर्नआउट कर पाएगी या फिर नहीं। पीछे के टायर तो ऑलमोस्ट आधे घिस चुके हैं, मैंने इसको कंटिन्यूस 5 मिनट तक बर्नआउट कराया था। उसके बाद में यार अचानक से इसके टायरों के अंदर आग लग गई थी यार। मेरे को नहीं लगा था कि यहाँ पे आग लगेगी, क्योंकि इसके पीछे के टायर और सामने के टायर प्लास्टिक के बने हुए हैं, पर देखो इसके अंदर आग लग गई थी भाई।
इसके कारण इसकी पीछे की जो बॉडी शेल है ये पूरी तरीके से पिघल चुकी है। आप देख सकते हो ये पूरा भाई कछूमर बन चुकी है पीछे की तरफ से। फाइनली इसकी पीछे की बॉडी तो आधी जल चुकी है, बाकी टायर्स अभी भी आप देख सकते हो बिल्कुल सही सलामत है। ओके, अब लाइट टेस्ट भी एक बार करके देखते हैं। पीछे से जलने के बावजूद भी ये कार अभी भी परफेक्टली काम कर रही थी। डॉट चार्जर की लाइट तो देखो यार एकदम बढ़िया है। यहाँ पे ये बाकी की तीनों जो कार्स है इनकी लाइट एक बार देख लो यार। ओ भाई क्या ही गजब की दिख रही है यार, मजा आ गया भाई। ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा यूनिक है, रियल कार्स में होती है। आजकल तो भाई आरसी कार्स में भी इसी तरीके की लाइट्स आने लगी है। भाई आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये इतनी ढेर सारी ड्रिफ्ट कार्स में से आज कौन सी ड्रिफ्ट कार सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। चलो भी मैं दूंगा शाउट आउट। यहाँ पे पहला नाम है अर्पित, आयुष, हफीज, दर्पण, संदीप, कृष्णा, विजय, फरहान, रोहन, प्रतीक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय।